नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए NHPC लिमिटेड की नोटिफिकेशन है। कल 5 अप्रैल को ये जारी की गई थी। पूरी जानकारी और पूरी सूचना क्या है वो हम आपको देंगे, लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है और इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो NHPC लिमिटेड की नोटिफिकेशन भारत सरकार का एक उद्यम लिखा हुआ इसमें, और पार्वती थर्ड है, ये पावर स्टेशन की नोटिफिकेशन है। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है वो हम आपको आगे बता देंगे। विज्ञापन संख्या जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो लास्ट डेट जो इसकी 10 मई 2019 ये बताई हुई है। तो ये NHPC लिमिटेड की नोटिफिकेशन है। अब छोटी सी चर्चा जो इसके NHPC के बारे में करते हैं और वैकेंसी कौन कौन सी है। तो NHPC के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है 1961 के अनुसार। यह 2019-20 के लिए आपको ये शिक्षा प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया। इलेक्ट्रिशियन, बेल्डर, फीटर, मैकेनिक, फायरमैन, IT की ये नोटिफिकेशन जो वैकेंसी और जो ट्रेड है ये भरे जाएंगे इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं समझना आप कि रेगुलर इसमें आप परमानेंटली हो जाओगे। आपकी एक कोर्स होगा, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर हो सकता है कि आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा NHPC में। तो नंबर ऑफ जो टोटल जो वैकेंसी है वो है 36, ये 36 वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी है। और इलेक्ट्रिशियन, फायरमैन, मैकेनिक, फीटर, बेल्डर और जितने भी ट्रेड हैं इनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और चेंजिंग है वो भी आप देख लीजिएगा बाद में। और IT किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से संबंधित ट्रेड से रेगुलर डिप्लोमा प्राप्त आपके पास ये होना चाहिए। अब जो मेन है इसमें कि एज क्या होगी, इसके लिए आयु सीमा क्या होगी। तो मैक्सिमम जो है 30 ईयर तक है, 30 साल तक जनरल के लिए। और जो मिनिमम है, जो न्यूनतम है वो 18 साल तक आपकी होनी चाहिए। और आपको बहुत बार हम बता चुके इस चैनल पर कि जो SC ST वाले उनके लिए 5 साल की छूट इसमें होती है। तो 5 साल की छूट इसमें भी मीन्स कि आप 35 तक अप्लाई कर सकते हैं SC ST वाले इन वैकेंसी के लिए। OBC के लिए इसमें 3 साल की छूट होगी, तो 3 साल आप ऐड कर दीजिएगा तो 33 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अप्लाई आप कैसे करोगे वो भी आप आगे देख लीजिएगा। और इसकी जो अवधि है, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग टाइम ये 1 ईयर बताया हुआ इसमें, तो 1 साल की आपकी ये ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो स्टाइपेंड है इसका आप देख लीजिएगा, सीरियल नंबर 3 जो है किस प्रकार से आपको क्या क्या मिलेगा। और आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो आपको बताया हुआ है कि जो 1961 का जो एक्ट है, अधिनियम है, इसके अनुसार ही आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। अब जो प्रेफरेंस या वरीयता किसको दी जाएगी इसमें वो आप देख लीजिएगा। तो जो लोग परिवार या परियोजना से प्रभावित परिवार के लोगों को प्रथम वरीयता दी जाएगी, पहले इनको दी जाएगी। जो पावर स्टेशन, ये पार्वती थर्ड पावर स्टेशन के परियोजना से जो प्रभावित परिवार है उनको ये पहली प्रमुखता दी जाएगी। दूसरी किसको दी जाएगी वो आप देख लीजिएगा, पार्वती थर्ड पावर स्टेशन के परियोजना प्रभावित से क्षेत्र कुल्लू जिले के लोगों को द्वितीय वरीयता दी जाएगी इसमें। और तीसरी किसको दी जाएगी, मंडी जिला मंडी के लोगों को तृतीय वरीयता दी जाएगी इसमें। अब जो अगला था कि केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी आवेदन करने के लिए पात्र है, तो ये आप देख लीजिए। फिर बाद में आप कमेंट करके ये ना पूछिएगा कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो जो हिमाचल वाले हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद था जिन अभ्यर्थियों के पास एप्रेसेंट प्रशिक्षण पहले से ही होगा, वे आवेदन करने के लिए प्राप्त नहीं होंगे। जिन्होंने पहले से ये ट्रेनिंग वगैरह की हुई NHPC में वो इसके लिए दोबारा अप्लाई करने के लिए पात्र नहीं होगी, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीरियल नंबर 8 था, उक्त रिक्तियों पावर स्टेशन की अवस्था के अनुसार ही घटे या बढ़ सकती है। तो ये 36 से 76 भी हो सकती है और 36 से 25 भी हो सकती है, ये आप याद रखिएगा इसमें। अब जो सीरियल नंबर 9 था, अभ्यर्थियों की आवेदन की अंतिम तिथि को जो शैक्षणिक योग्यता तथा आयु के संदर्भ में पात्र होना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा फल परिणाम नहीं आया वो आवेदन ना करें। तो इसमें बताया हुआ जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए मार्च में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो अगला था सीरियल नंबर 10 था, NHPC में रोजगार प्रशिक्षण अवधि विस्तार तथा NHPC लिमिटेड में रोजगार हेतु किसी भी अभ्यर्थी का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
तो ये आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप ये ना कहिए कि हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और एक इन्फॉर्मेशन इसमें हम आपको बताना भूल गए, सीरियल नंबर जो 11 है, NHPC द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को बॉन्डिंग, लॉन्चिंग या ट्रांसफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब जो मेन है कि आवेदन आप कैसे करें, तो आवेदन के लिए भी हम आपको बता देंगे इसी में। तो ITI शिशु जो है इनके लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नोटिफिकेशन से दर्शाई गई समस्त नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ ले, इसलिए हम आपको ये पढ़कर बता रहे ताकि आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई ना कर दो। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उसके पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। तो ये तो आपके पास होगा, ईमेल आईडी जिनकी नहीं है वो अपनी जीमेल पर ईमेल आईडी या जिस भी अकाउंट पर आप बनाना चाहते हैं याहू पर वो आप बना सकते हैं। अभ्यर्थियों को www.apprenticeship.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात पोर्टल पर NHPC लिमिटेड पार्वती स्टेशन द्वारा रिक्तियों हेतु आवेदन करें। तो यहाँ पर आपको ये apprenticeship.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो अगला है कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिफिकेशन के साथ संलग्न आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर उसके साथ प्रमाणित समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को लगाना आपको पड़ेगा, और बाकी जो इसमें बताया हुआ प्रमाण पत्र और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि, वो सब कुछ आपको लगाने पड़ेंगे। तो 10 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 5:00 PM तक। और नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी की गई है ये भी आपको हम बता देते हैं। तो इनके द्वारा ये पूरी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आप इसको ये मान सकते हैं कि एक ये एड्रेस है और आपकी जो फॉर्म वगैरह है वो यहीं पर जाएगी। तो इसमें बताया हुआ है ये एड्रेस है, यहीं पर आपको अपनी फॉर्म भेजनी है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो हिमाचल का कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब जो इसके साथ और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नोटिफिकेशन गाएगी समस्त उसको नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ ले। आवेदन करने से सुनिश्चित कर ले कि उसके पास एक ईमेल आईडी और अभ्यर्थी को ये MHRD NEST.gov पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो जो भी आपको पहले बताया वो आप इस प्रकार से ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। और अब जो चयन प्रक्रिया है कि चयन कैसा होगा आपका, तो कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा इसमें, आपका कोई साक्षात्कार इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। अभ्यर्थियों को ITI 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित किया जाएगा। तो आपका इसका कोई रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा, आपकी जो नंबर है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और तथा अभ्यर्थियों की सूची को NHPC लिमिटेड की वेबसाइट NHPC इंडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये भी आपके जो रिजल्ट वगैरह है, आप सोचोगे कि आपका जो आप सेलेक्ट हुए या नहीं तो वो आपको कैसे पता लगेगा, तो ये वेबसाइट जो nhpcindia.com इस पर आपको जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। अब जो चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के समय समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र ITI अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र परियोजना प्रभावित होकर पार संबंधित प्रमाण पत्र पूरी जो जानकारी वो आपको करवानी पड़ेगी इसमें। और ज्वाइनिंग के समय अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी या सरकारी संस्थान से निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। तो अगर आप NHPC में जा रहे हैं तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जो आपका सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। आवेदन करने की तिथि जो लास्ट वो होगी 10 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पूरी जो जानकारी कि कहाँ आपने क्या करना है, तो आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपकी ये फॉर्म जाएगी, तो एड्रेस यहाँ पर भी आप भेजोगे तो फॉर्म जो है वो हम आपको बता देते हैं कि कौन सी फॉर्म है ये भरी जाएंगी। तो ये इस प्रकार की एक फॉर्म होगी और ये आपको भरनी पड़ेगी, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको नहीं मिलती है वो मुझसे ले सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर हम आपको दे देंगे, वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप करके नोटिफिकेशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लगानी है अपनी फ़ोटो, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी अपनी। और यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, जैसे वेल्डर के लिए कर रहे हैं तो वेल्डर, के मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो मैकेनिकल,
और फायरमैन के लिए कर रहे हैं तो फायरमैन आप यहाँ पर लिखेगी। अब उसके बाद जो आएगा यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपको नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, मीन्स कि बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर ए बी सी जो भी आपका नाम है वो आपको भरना है। उसके बाद जो सीरियल नंबर 2 है यहाँ पर आपको फादर नेम भरना है, वो भी कैपिटल लेटर में। और जैसे आपका नाम है अर्जुन, आपके पापा का नाम है, तो ए आर जे यू एन लिखिएगा और उसके बाद इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो उनका टाइटल है वो भरेगा। जन्मतिथि का जो कॉलम जिस प्रकार से आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर डेट आएगी, यहाँ पर मंथ आएगा और यहाँ पर साल आएगा, जैसे 20/1/1993, तो ये इस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा। और समापन तिथि के अनुसार उम्र क्या होगी, तो 10 मई जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, ये फॉर्म भर रहे हो, उस दिन आपकी एज क्या होगी वो आपने लिखना। मान लो कि आप हो 20 साल के, तो यहाँ पर आप 20 लिखिएगा मंथ के मंथ के हुए, वो आप पूरी कैलकुलेशन करके उसकी यहाँ पर आप उसका रिकॉर्ड भरेगा। अब जो पत्राचार का पता है, मीन्स की जो पोस्टल एड्रेस है आपको, वो भरना पड़ेगा जहाँ पर अभी रह रहे आप चाहते हैं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो इस एड्रेस पर पते पर मिले, तो आप वो यहाँ पर भर दीजिएगा। अब जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको भरना है यहाँ पर, कि कहाँ से हो आप, क्या कौन आपका परमानेंट एड्रेस है, कहाँ से आपका बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट वगैरह इशू हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर भरना है। और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है, मोबाइल नंबर आप भर दीजिएगा यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ फिर तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिर फ़ोन नंबर भरना है, और उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल आईडी भर दीजिएगा। अब जो मेन है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो जो 10th मांगी तो 10th भरेगा आप यहाँ पर। उसके बाद अपना जो स्कूल था, हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला हो गए मैक्सिमम, तो वो आप भर दीजिएगा। और विषय कौन कौन से थे वो आपने लिखने यहाँ पर, और पढ़ाई की अवधि की कब से कब तक आपने की, और पासिंग ईयर जो था, जैसे मान लो कि आपने 2010 में अगर 10वीं की है तो 2010 यहाँ पर भर दीजिएगा। कितने अंक आए, 350 अगर आपके 700 में से आए तो वो आप लिखिएगा यहाँ पर। और परसेंट में बताया हुआ तो परसेंट आपको लिखना, यहाँ 700 से अगर 350 आए तो 50% आपको यहाँ पर लिखने होंगे। और फुल टाइम की है या पार्ट टाइम, मीन्स कि प्राइवेट की है या रेगुलर की है, तो वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो फुल टाइम मीन्स रेगुलर, पार्ट टाइम मीन्स प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर भरेगा, जैसे ITI वगैरह का आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आया ये वर्ग का जो कॉलम है कैटेगरी का, यहाँ पर आपको लिखना है SC ST OBC जनरल। और क्या आपने इससे पहले शिक्षा प्रशिक्षण की है या नहीं, मीन्स कि इससे पहले आपने ये ट्रेनिंग वगैरह की है, तो हाँ या ना ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको आएगा वो आपने मान लो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई कानूनी कार्यवाही की है हाँ या नहीं, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जो भी आएगा उसके बाद टिक मार्क हो गई ये, और उसके बाद लास्ट में ये आएगी डेक्लेरेशन, ये आपको घोषणा करनी पड़ेगी इसमें। तो मैं वचन देता हूँ या देती हूँ कि अवैध में दी गई सूचना सही है। और डेक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर करिएगा, तो इस प्रकार से आप अपने सिग्नेचर करिएगा, और यहाँ पर अपना जो नाम है जो आपने कैपिटल लेटर में लिखा था, या जो सर्टिफिकेट पर नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट यहाँ पर डालिएगा, और आपका स्थान कौन सा है, कहाँ से हो आप, तो आप या डिस्ट्रिक्ट या तहसील का नाम अपने भरेगा यहाँ पर। तो ये थी NHPC की पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप जानकारी से संतुष्ट है, और अगर आपको चाहिए कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब्स की मिले, तो हिम तक इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में नीचे कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर अगर आपको फॉर्म चाहिए तो हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। तो ये थी NHPC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आज के लिए इतने, नमस्कार, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।